क्रचेज मतलब बैसाखी, क्रचेज मतलब बैसाखी के साथ लड़की। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को, हु इज डेफ, डम, ब्लाइंड और लैम। डेफ मतलब डेफ मतलब बहरा, डम्ब मतलब गूंगा, ब्लाइंड मतलब अंधा, लेम मतलब लंगड़ा, यानी दे ऑल आर हैंडीकैप्ड, दे ऑल आर हैंडीकैप्ड, इन्हें विकलांग कहा जाएगा, ठीक है। इज इट प्रॉपर टू थिंक, यह ठीक से सोचने की बात है, दैट कि सच पर्संस, इस तरह के व्यक्तियों, आर वर्थलेस, या तो बेकार हैं और बर्डन, बोझ बने हुए, या तो बेकार हैं या बोझ बने हुए हैं, उन दी सोसाइटी, समाज में, समाज पर बोझ बने हुए हैं या बेकार हैं। कैन यू नेम सम फेमस पर्संस, क्या तुम किसी प्रसिद्ध मशहूर व्यक्तियों का नाम बता सकते हो, ऐसे व्यक्तियों का, हु आर फिजिकली, जो शारीरिक रूप से, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से चैलेंज्ड, चुनौती बना हुआ है, चुनौती बना हुआ है। इट वाज ए मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह है, थी, सोमवार की सुबह थी। आई वाज बिजी, मैं व्यस्त था, इन माय ऑफिस प्रिपेयरिंग, ऑफिस, कार्यालय की तैयारी कर रहा था, ए रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन, ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, स्कूल से बाहर बच्चों को, जो स्कूल नहीं आता है उससे बाहर के बच्चों का प्रतिवेदन मैं तैयार कर रहा था कार्यालय में। दी क्लासेस वेयर रनिंग प्रॉपरली, ठीक ढंग से वर्ग का संचालन हो रहा था, वर्ग चल रही थी। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ वहां से। ए सिल्की वॉइस केम इन टू माई ईयर्स, मेरी आंखों में एक सिल्की कहते हो है, जिसके आवाज में मीठापन हो, जिसके आवाज में, जो सुनने में आनंद देता हो, आनंद देता हो। माई ईयर्स आई रेस्ट, मैंने उठाया माई हेड, अपने सर को, एंड सॉ ए गर्ल, और एक लड़की को देखा, विद क्रचेज, जो बैसाखी के साथ थी, स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पर खड़ी थी, एन एल्डरली लेडी, एक उम्रदराज, ये ज्यादा उम्र का की महिला, क्लैड, क्लैड ढकी हुई थी, क्लैड मतलब ढका हुआ, अच्छा दिन, इन ए साड़ी, जो साड़ी से ढकी हुई थी, वाज स्टैंडिंग जस्ट बिहाइंड हर, ठीक, जस्ट मतलब ठीक, तुरंत, ठीक उसके पीछे खड़ी थी। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए, आई सेड दे केम इन, मैंने कहा और वे लोग अंदर आ गए। आई ऑफर्ड, मैंने पेशकश की, दी लेडी, महिला को, ए चेयर टू सीट ऑन, कुर्सी पर बैठने के लिए मैंने पेशकश की, प्रस्ताव दिया। आई ऑल्सो आस्क दी गर्ल टू सिट, मैंने लड़की को भी बैठने के लिए कहा, किसको बैठने के लिए कहा, लड़की को, बट, लेकिन, सी प्रो पोलाइटली, वह विनम्रतापूर्वक, पोलाइटली मतलब विनम्रतापूर्वक, रिफ्यूज, इनकार करना, रिफ्यूज मतलब इनकार कर दी।